नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में आखिर किस किस को जगह मिलती है। मोदी की ओर से केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को शपथ लेने वाले हैं। इस बीच सबकी नजर टिकी है उनके कैबिनेट पर। जी हाँ, पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी की कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं। वहीं अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी का मंत्रिमंडल छोटा होगा, मोदी ये चाह रहे हैं, जिसके लिए कुछ मंत्रालय को आपस में मिलाया भी जा सकता है। मंत्रिमंडल के गठन से पहले गुजरात भवन में मोदी से मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद से ही मंत्रिमंडल के चेहरे तय करने को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच गहन मंथन जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 26 मई को उनके साथ चुनिंदा मंत्री ही शपथ ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण शौरी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और अनंत कुमार जैसे नेता 26 मई को मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही एनडीए के सहयोगी दल जैसे टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल और एलजेपी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज को मोदी के खिलाफ लॉबिंग करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और मंत्रिमंडल से उनका पत्ता कट सकता है। एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल टीडीपी को 3 से 4 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में सही भूमिका न मिलने से शिवसेना के नाराज होने की भी खबरें आ रही हैं। इस बार कैबिनेट के चयन में खासी गोपनीयता बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं चर्चा है कि अरुण जेटली को विदेश मंत्रालय मिलना लगभग तय है। सुमित्रा महाजन को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है। वहीं बीएस येदियुरप्पा, मेनका गांधी, अनंत कुमार, उमा भारती को संगठन में ही काम करने के लिए कहा जा सकता है। मोदी को आज शाम तक 26 मई को उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपनी है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मोदी की कैबिनेट में आखिर किसको जगह मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।